हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 3.6.3 का इंट्रो पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, दो थ्योरम्स बेसिकली, हमने दो थ्योरम्स को हमने प्रूव किया था। तो पहली थ्योरम क्या थी, थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए फिर से। पहली थ्योरम थी आपकी भाई ए ए ए, आप सब जानते होंगे, आप सबको पता है अब कि मैंने ये क्या लिखा है। ए ए ए ए ए ए क्राइटेरिया, ए ए ए क्राइटेरिया बोलते थे इसको। ये क्या थ्योरम थी, थोड़ा सा रिवाइज कर दें। मैंने कहा था आपके दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ए बी सी, पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास भाई। थ्योरम क्या कहती थी, थ्योरम क्या कहती थी, अगर किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल्स के, किसी भी ट्राइंगल्स के अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, समझना बात को अच्छे से, तो ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर और ए सी अपान पी आर भी बराबर होंगे। ये हमारी थ्योरम कहती थी और हमने इसको प्रूव भी किया। अगर आपने ये थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे कहूंगा कि इस चैप्टर, इस जो ये जो एक्सरसाइज हमारी 6.3 है, ये इन्हीं दो थ्योरम्स पे बेस है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन थ्योरम्स को देखें, ठीक है। ये थी पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम पढ़ी थी आपने एस 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 क्राइटेरिया, ठीक, इसको बोलते एंगल एंगल एंगल, तभी एंगल गिवन होते थे, ठीक। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हमने प्रूव किया, तो ये दोनों ट्राइंगल होगी सिमिलर, तो हम इसको लिखते थे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म था, ठीक। बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं दूसरी, एस 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 एस, इसमें ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर और ए सी अपान पी आर गिवन था, बराबर था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल था, तो हमने प्रूव किया था एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, सॉरी एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमने प्रूव किया था। तो अगर ये हमने ये दिया था, ये प्रूव किया था, जब ऐसा हो गया तो हमने कहा था ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इन दो थ्योरम से आपने सीखा क्या, हमने बात वो करनी है कि इन दो थ्योरम से आपने सीखा क्या। तो देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं समझना, अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं सॉरी, अगर वो इक्वल हैं, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं बाई ए ए ए, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दिया, अगर एंगल बराबर होते हैं तो साइड साइड्स का रेशियो वो भी इक्वल होता है। बात समझ आई। अगर दूसरा है आपके पास, अगर उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है, तो एंगल भी इक्वल होंगी क्योंकि हमने प्रूव किया है। तो अगर ऐसा होगा तो दोनों ट्राइंगलें क्या होंगी, सिमिलर होंगी, बाय विच क्राइटेरिया, शाबाश, एस एस एस। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बोलता है स्टेट कौन सी पेयर, कौन सा पेयर ट्राइंगल्स का सिमिलर है, ठीक है,
सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाई यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, और लिखो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपने लगाया। हमने दो पढ़े, एंगल 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 एंड साइड साइड साइड, एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, और वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। बात क्लियर हुई? तो अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है जी हमारे पास प्रॉब्लम, तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये तो गिवन है, ये आपको पता है, ये दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। इन विच एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री है, ठीक। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू दैट इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल, सेम कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री। एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर दैट इज इक्वल्स टू दिस वन 40 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या रेशो भी बराबर है? यस, रेशो भी बराबर है। तो अगर रेशो भी बराबर है तो क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अगर ये बराबर हैं? तो हेंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, बाय थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम यूज की थी हमने, यहां पे थ्योरम लिख देते हैं। ये थी हमारी 6.3, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.3। तो अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब दस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर बाई विच क्राइटेरियन? बाई, वेरी गुड, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आई होप समझ आई होगी, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अब आप चेक करो, क्या चेक करेंगे आप? आप देखो जी, ट्राइंगल ए बी सी देख लिया जी आपने। ए बी जो है, ए बी है टू, कितने है? तो टू, और यहां पे पी क्यू जो है वो है 6, ठीक। अब यहां देखो बी सी कितना है, बी सी है 2.5, ठीक है, तो ये वाला है 4, ए सी है 3 और ये है 5। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखोगे आप, क्या करोगे आप, इस ट्राइंगल को क्या करोगे, इस ट्राइंगल को आप ऐसे रोटेट करोगे। तो क्या होगा अगर मैं ऐसे रोटेट करूंगा इस ट्राइंगल को? चेक करना, मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। मैंने इस ट्राइंगल को ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये जो क्यू यहां पे था ये यहां पे आ गया, और ये जो आर यहां पे था यहां पे आ गया, और ये जो पी यहां पे था यहां पे आ गया। इसमें कोई डाउट आपको? अब देखो क्यू आर कितना है, 4। अब देखो आर पी कितना है, 5। अब देखो क्यू पी या पी क्यू कितना है, 6। ये बनाने का मकसद क्यों था ऐसा, अब मैं बताता हूं आपको, अब मैं आपको बताता हूं। गिवन क्या है मेरे पास, ट्राइंगल ए बी सी एंड एंड एंड
अब ट्राइंगल आप पी क्यू आर नहीं बोलोगे, पी क्यू आर नहीं बोलोगे। देखो अगर एंगल ए और एंगल पी बराबर है तो मैं बोलूंगा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अगर एंगल ए एंगल क्यू बराबर है तो मैं पहली ट्राइंगल को तो ए बी सी ही बोलूंगा, लेकिन दूसरी ट्राइंगल का नाम चेंज करके यहां से बोलूंगा क्यू आर पी। कहां से बोलूंगा? क्यू आर पी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो देखो नेमिंग बहुत बड़ा, नेमिंग जो होगी ना ट्राइंगल्स की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें, हमने ट्राइंगल्स का नाम कैसे देना है, ठीक है। अच्छे से समझना, थोड़ा अच्छे से समझना। अब देखो, अब ये जो बी सी है, ये जो बी सी है ये कितना है? 2.5, 2.5। तो मैंने इसके बराबर लाया 5। देखो 2.5 को जब मल्टीप्लाई 2 के साथ करता हूं आता है 5, ठीक है। 2 को जब मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ आता है 4। 3 को जब मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ आता है 6। तभी मैंने इनको ऐसे अरेंज करके रखा। तो ट्राइंगल अब ये वाली लोगे, एक ट्राइंगल एक ये वाली लोगे, इसको नहीं लोगे, इसको नहीं लोगे, क्योंकि मैंने इसी ट्राइंगल को कुछ नहीं किया, थोड़ा घुमा दिया और इसके जैसा बनाने की कोशिश की, क्योंकि हमने इसका जो साइड्स दी है ना, साइड्स दी है तो साइड्स दी है तो हमने रेशो बराबर करना पड़ेगा। तो मैं रेशो कैसे बराबर करूंगा, उसके लिए मेरे पास यही एक तरीका था। तो क्या? ट्राइंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी, अब ट्राइंगल लिख दिया यहां पे क्या, क्यू आर पी। तो इन विच ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी और ए सी अपॉन पी क्यू, दिस एम्प्लाइज, दिस एम्प्लाइज। अब आप ए बी की जगह वैल्यू डालो 2, क्यू आर की जगह वैल्यू डालो 4, बी सी की जगह वैल्यू डालो 2.5, आर पी की जगह डालो 5 इक्वल टू, ए सी की जगह डालो 3 और ये वाली क्यू पी कितना है, पी क्यू कितना है 6। तो देखो 1 2, 1 2, 1 2, तो ये सारे किसके बराबर आ गए? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तो ये सारे रेशो कितने आ गए? 1/2 के बराबर, रेशो इक्वल। तो मैंने क्या बताया था, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल तो एंगल भी इक्वल, तो एंगल भी इक्वल। तो हेंस अगर रेशो इक्वल तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी पी, नो नो नो, दिस वन एंगल क्यू, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी। ये हो गया जी, ये दोनों कंडीशन है फुलफिल, कंडीशन है फुलफिल। तो 10, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। का थर्ड पार्ट देखते हैं। ट्राइंगल है हमारे पास एल एम एन और डी ई एफ, ठीक है। चलो भाई साइड्स दी है तो साइड्स का रेशो चेक करना पड़ेगा। तो एल एम अपॉन डी ई, एल एम अपॉन डी, एल एम कितना है 2.7, डी कितना है शाबाश 4। दूसरी बात एम एन ई एफ के बराबर, तो ये 4 तो ये 5। एल एन अपॉन डी एफ, एल एन अपॉन डी एफ कितना, एल एन अपॉन डी एफ कितना 3/6। अब चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, 3 1 3, 3 2 6 ये आ जाएगा 1/2, 1/2 ये 1/2, ये 2/5, ये 2.7/4, क्या ये बराबर हैं? अरे रेशो बराबर ही नहीं है, रेशो बराबर ही नहीं है, सिंस एल एम अपॉन डी ई इज नॉट इक्वल टू एम एन अपॉन ई एफ इज नॉट इक्वल टू एल एन अपॉन डी एफ, ये बराबरी नहीं है, बराबरी नहीं है, तो हेंस
या दस ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी नहीं ट्राइंगल ए बी सी नहीं है ट्राइंगल एल एम एन इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था. तो इसका फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट ट्राई करेंगे आप खुद से. ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ. तो अगर आपसे नहीं आए तो मैं कराऊंगा, लेकिन आपको ये खुद से ट्राई करनी है. और एक चीज मैं बता देता हूं, छोटी सी चीज बता देता हूं, छोटी नहीं है, बड़ी चीज है. अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि आपके जो आगे वाला जो पार्ट होंगे ना, उसमें आपको इसकी मदद लगेगी. आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, सपोज आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं. अगर ये वाली साइड, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया है, मतलब ये 30 डिग्री दिया है, ये भी 30 डिग्री दिया है, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल का ये एंगल 60 डिग्री दिया है, ये भी 60 डिग्री दिया है, सपोज ऐसे दिया है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये आप पता कर सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी लगा के, एंगल सम प्रॉपर्टी. बट क्वेश्चन है, हमने ऐसा क्यों किया. आप क्या लिख दोगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है. तो आप डायरेक्ट लिख दोगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तीसरा एंगल तो है ही नहीं, है ना, आप ये सोच रहे हैं तीसरा एंगल तो है ही नहीं. अरे जब ये 30 है या 60 है, ये 30 है 60 है, तो जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहां पे जो आएगा वही तो यहां पे आएगा. सपोज यहां पे आ गया जी 90, 60 प्लस 30 होगा 90 और 90 होगा 180, यहां पे भी आएगा 90. अरे हो गया ना, तो यहां पे लगेगी कौन सा क्राइटेरिया बोलोगे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया. ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे. ठीक है.